Hello students, welcome to the amazing platform of NCERT Wala. And my dear students, I am here with another chapter. Yes, तो बेटा हम लोग ना physical chemistry करने वाले हैं. तुम लोगों को जिनको मैम को भगाने की बहुत जल्दी है ना कि मैम आप जाओ organic चाहिए organic चाहिए. जरा सब्र कीजिए, अभी मैम ही आपको पढ़ाने वाली हैं. थोड़ा electrochemistry पढ़ लो यार, थोड़ा physical chemistry पढ़ लो, organic भी पढ़ लेना. क्या मेरे पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को, है ना? तो मैम ही पढ़ा रही है बेटा, रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, एक चैप्टर और कर लो फिजिकल केमिस्ट्री का, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेना. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही, मैंने जैसे हमेशा ही कहा है आपको, फिजिकल केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हो रहे होते हैं हमारे ऑल अराउंड, और वो मैं आपको दिखाने वाली हूं कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज होती है. थोड़ा सा बिल्डअप तो देना पड़ेगा ना, ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो इस चैप्टर में. तो मैम है ना, फिक्र किस बात की है? अब बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे अराउंड हर जगह हो रही होती है. ये जो लाइट्स जल रही हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये जो आप फोन या लैपटॉप में मैम का लेक्चर देख रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. यार इतना इंटरेस्ट तो तुम्हारा मैं डेवलप करती हूँ, फिर भी तुम ऑर्गेनिक 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 करते हो, क्या प्रॉब्लम है यार? पढ़ लो थोड़ा फिजिकल, है ना? मैंने आप सभी के कमेंट्स देखे, मैं बता रही हूँ. अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, सारे चैप्टर्स होंगे, थोड़ा सब्र कीजिए, ठीक है? फिजिकल कर लो, फिर ऑर्गेनिक भी हो जाएगी, टेंशन मत लो. आपका पूरा सिलेबस करवाने की जिम्मेदारी हमने ली है, तो हम उस जिम्मेदारी को भरपूर निभाने वाले हैं. अब मेरी ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुन लो, जो सोल्यूशन चैप्टर हमने पढ़ लिया है, आप लोगों की अभी से डिस्क्लेमर दे रही हूँ, एक पूरा हफ्ता दे रही हूँ, उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लो, लिख के ले लो, रिवाइज कर लो. क्यों? क्योंकि होने वाला है एक मेंटी सेशन, और उस मेंटी सेशन में बहुत बड़ा संग्राम होने वाला है, केमिस्ट्री वर्सेस समथिंग डैश. अब मैं क्यों बताऊं कि दूसरा चैप्टर कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट है? मैं तो ये चाहती हूं ना कि केमिस्ट्री पूरी भरपूर तरीके से सबकी तैयार हो जाए और सब एकदम केमिस्ट्री में स्कोर करें, ठीक है? तो बेटा केमिस्ट्री वर्सेस डैश, अब पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट है, लेकिन भैया मेंटी होने वाला है, ठीक है? और हमें केमिस्ट्री को जिताना है. मैं नहीं चाहती कि आप एक भी गलत करो क्वेश्चन. तो पूरा हफ्ता है, सॉल्यूशंस को अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि सारा का सारा चैप्टर आने वाला है वहां पर, ठीक है? तो ये अनाउंसमेंट खत्म हो चुकी है और अब हम अपनी कहानी शुरू कर सकते हैं. तो मैम आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले हम वो देखेंगे. तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होता है. एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक है, ये सूचना आप प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए कि एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक है, ठीक है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनका डिटेल डिस्कशन करेंगे. उसके बाद में हम, ये दो टाइप के होते हैं, लो इसी के अंदर ही बता दिया कि ये दो टाइप के सेल्स होते हैं, तो बेटा इन दो टाइप के सेल्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, एंड हम सेल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि भाई एक सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. अभी तो सब फ्रेंच लग रहा हो कि ये क्या है मैम, क्या सेल रिप्रेजेंटेशन, क्या गैल्वेनिक सेल, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, थोड़ा सब्र कीजिए, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा. तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं हमारे अराउंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहां कहां है. अब मुझे एक बात बताओ, टीवी देखते हैं, उसमें रिमोट यूज होता है, रिमोट में सेल्स यूज होते हैं, वो सेल्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं. हाँ मैम, बेटा यहां भी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है. देखा, गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल मैम, गाड़ी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो गए हैं, उसके पीछे भी सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है. चैप्टर तो पढ़ो, पता लगेगा. तुम लोग इस चैप्टर के एंड तक इतने तैयार हो जाओगे कि अपने रिलेटिव्स को, अपने मम्मी पापा के सामने अपनी नॉलेज को इतना हाई लेवल पे शो ऑफ कर सकते हो ना आप लोग, कि हर पॉइंट पे आपको कर लगेगा थैंक यू अनुष्का मैम, आपकी वजह से आज मैं यहाँ पर अपनी नॉलेज शो ऑफ कर पाया या कर पाई, ठीक है? तो ये थैंक यू मुझे सुनता मिलता रहेगा, ठीक है? तो टेलीपैथी के थ्रू मैं आप लोगों का थैंक यू लेती भी रहूंगी, डोंट वरी, ठीक है? चलो आगे देखो, लैपटॉप्स, फोन,
फोन्स, मैंने क्या बोला, लैपटॉप्स, लैपटॉप्स फोन्स, जिनमें आप मैम का लेक्चर देखते हो, जिनमें आप गेम खेलते हो, जिनमें आप पढ़ाई करते हो, है ना, उन सब में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज होती है, वो तो मैं अभी बता दूंगी थोड़ी देर में, ठीक है। ये आई होप आप पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से, अगर इस तरह से नहीं पढ़ रहे, कॉपी लेके नहीं बैठे और ऐसे चिप्स लेके बैठे और मैम का लेक्चर देख रहे हो, तो कुछ समझ नहीं आएगा, पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। यस, आगे भाई, आगे बेटा, जंग लगी हुई गाड़ी, ये तो मैम हमने बहुत बार देखा है, देखा है ना, इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड है। और वो देखे होंगे ना, जिन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो दिखने में तो सोना होती है लेकिन होती है नहीं सोना, जिसके ऊपर बस सोने का रंग चढ़ा होता है ना, हाँ, तो बेटा उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये रहा यहाँ पे चांदी की चम्मच, सोने की चम्मच, है ना, यस। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, ये भी आपका किसका कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सब कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम बढ़ते हैं, अब मैम ने बहुत ज्यादा हाइप अप कर दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, तो मैम अब आप हमें समझाना भी शुरू कर दो, ठीक है, आपका आदेश हमने माना। तो बेटा हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, मैम ने आपको बताया था कि हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप मेजरली किन दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मेजरली आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो इस पूरे चैप्टर में हम दो मेन चीजें पढ़ने वाले हैं। पहली जो चीज है वो है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बाद में बेटा हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, ये दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, हम कहां से शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स से, ठीक है। ये वाला पार्ट ना बहुत इजी है, बहुत इजी है, सीधे न्यूमेरिकल्स आते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं इसके, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, नंबर तुम्हारे पक्के। तो जो इजी चीज है वो लास्ट में करेंगे, जब एकदम दिमाग ना सैचुरेशन पे आ जाता, तब वो चीज करनी चाहिए जो इजी होती है, ठीक है, तो तब हम ये करेंगे। अभी जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है, जो फ्रेश माइंड है एकदम, तो मैम हम ये पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, तो हम ये पढ़ेंगे, ओके। तो अब अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करते हो, तो बेटा अलग अलग तरह के ना सेल्स होते हैं, तो हम उन सेल्स को पढ़ने वाले हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को आप मेजरली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, दो टाइप में आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो। एक होता है आपका गैल्वेनिक सेल, एक होता है आपका गैल्वेनिक सेल, और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, एक होता है आपका गैल्वेनिक सेल और एक होता है आपका इलेक्ट्रो लिटिक सेल। अब हमें इन दोनों को समझना है, और बेटा इन दोनों को समझने के लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी समझनी है। मैं हमेशा इसको एक कहानी के थ्रू समझाती हूँ, सबको समझ भी आ जाता है, तो एक सेकेंड रुकना, ओके। अब देखो मैंने क्या, क्यों मैंने ये रुकवाया आप लोगों को, सुनो, फोन यूज कर रहे हो, ठीक है, अब मान लो मैं फोन यूज कर रही हूं, जब मैं फोन यूज कर रही हूं तो भाई इसका चार्ज खत्म होगा, हाँ, तो आप इसको चार्ज पे लगाओगे, अब ये चार्ज हो जाएगा, हाँ, फिर उसको चार्जिंग पॉइंट से निकाल लोगे और फिर यूज करने लग जाओगे, एक बात समझ आ रही है, हाँ मैम। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, उस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है, ओके। मैम क्या बताना चाहती है, जब आप फोन यूज कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद में उसकी बैटरी खत्म हुई और आपने क्या किया, उसको चार्ज लगाया, आपने उसको चार्ज लगाया, ठीक है, हाँ मैम, जब आपने उसको चार्ज लगाया तो एक्चुअल में क्या हुआ मैम, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो फोन की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, मैम जो आपने स्विच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही थी वो फोन के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, तभी तो वो चार्ज हो रहा था, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है, हाँ, यहां तक क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अब चार्ज हो गया फोन, हाँ, तो मतलब जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती थी उतनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब आपने फोन को बाहर निकाल लिया, जब आपने फोन को बाहर निकाल लिया अब क्या आप चार्ज कर रहे हो, नहीं, तो क्या आप कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, नहीं, आप बिल्कुल नहीं दे रहे हो। अब क्या कर रहे हो, अब बेटा फोन जब आप यूज करते हो तो उसमें लाइट जलती है, जैसे कि अगर मैं ये फोन यूज कर रही हूं तो इसमें लाइट्स जल रही है, इसमें जो भी चीजें हो रही हैं वो सब क्या हो रही है, ये क्या हो रहा है मैम,
चार्ज, मतलब लाइट जल रही है, ये समझ आ रहा है आपको? सारी चीजें जो है वो लाइट से रिलेटेड है। तो बेटा जो फोन के अंदर आपकी केमिकल एनर्जी सेव हो गई थी चार्ज के टाइम पे, जब आप उस फोन को यूज करते हो तो वो सारी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और आपका फोन डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और फिर से उसकी बैटरी धीरे 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 खत्म हो जाती है। जितनी केमिकल एनर्जी आपके फोन में स्टोर थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बैटरी डाउन हो गई, अब आपको फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये साइकिल ऐसे चलता रहता है, ठीक है? इतना तो समझ आया, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं, बस बहुत बढ़िया, इतना ही समझना है, इतना ही समझना है। यहां से आप इन दोनों टाइप के सेल्स की कहानी को समझ जाओगे। अब समझो आगे। अब मैम क्या बताना चाहती है, बेटा जो आपके दो सेल्स है ना, ये आपस में डिफरेंशिएट कैसे होते हैं? क्योंकि इनमें से एक सेल होता है जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, यानी कि अगर मैं गैल्वेनिक सेल की बात करती हूं तो यहां पे बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ठीक है? इसके अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। और जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर सारे के सारे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। अब पता है क्या, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? तो बेटा स्पॉन्टेनियस का मतलब वो होता है जो अपने आप कोई चीज करना चाहता है, जो अपने आप कोई काम करना चाहता है ना, उसका मतलब होता है स्पॉन्टेनियस। यानी कि अगर आपको कोई पुश नहीं कर रहा, आप अपनी मर्जी से पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपको पढ़ना पसंद है, आपको अच्छा स्कोर करना पसंद है, तो वो जो स्टूडेंट है वो क्या है, वो एक स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट है। उसको कोई और कुछ बोले ना बोले उसको फर्क नहीं पड़ता, वो खुद से पढ़ाई करता है, स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट। एक टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स आते हैं और उनको जबरदस्ती कहते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम्हें मार्क्स लाने हैं, हम तुम्हें ये देंगे, अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आ गए तो तुम्हें ये गिफ्ट में मिलेगा। तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको बाहर से एक फोर्स चाहिए, एक पुश चाहिए। यानी कि काम तो दोनों केस में होता है लेकिन एक में अपने आप होता है, एक में आपको बाहर से फोर्स लगानी पड़ती है, बाहर से आपको कुछ पुश देना पड़ता है जिसकी वजह से वो पढ़ाई करते हैं। तो वो जो बच्चे हैं जो पेरेंट्स के बोलने से पढ़ाई करते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट्स हुए। काम तो दोनों केस में हो रहा है, सेम यहीं पर होता है। गैल्वेनिक सेल में ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो अपने आप होती हैं, ठीक है? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं जिनको बाहर से एक फोर्स चाहिए होती है, अगर बाहर से फोर्स मिल जाती है फिर वो रिएक्शंस हो जाती हैं। यानी कि काम तो दोनों में होता है, एक में पुश चाहिए होता है, दूसरे में पुश नहीं चाहिए होता, ठीक है? इतना हमें क्लियर है, कोई इशू नहीं है यहां तक, बहुत बढ़िया। बस अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, ठीक है? वो जो कहानी बताई ना मैंने फोन वाली, वो अभी काम आएगी, दो मिनट रुको, ठीक है? ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नाउ द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मान लो कि आपकी कोई एक रिएक्शन है जिसमें x से y बन रहा है, ये भैया एक रिएक्शन है जिससे x में y बन रहा है, ठीक है? अब इस रिएक्शन के अंदर बेटा आपकी केमिकल एनर्जी क्या है, वट इज योर केमिकल एनर्जी, मतलब कि केमिकल एनर्जी होता क्या है? एक रिएक्शन हो रही होती है उसमें कोई ना कोई केमिकल एनर्जी होती है, ये बात हमने सबने सुनी, पर केमिकल एनर्जी डिनोट किसको करती है, क्या बताना चाहता है केमिकल एनर्जी से? अब क्या मैं जो आंसर लिख रही हूं आपको लगता है कि मैं सही लिख रही हूं कि मैम केमिकल एनर्जी जो है इज डिनोटेड बाय, अब देखो केमिकल एनर्जी से डेफिनेशन तो मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो केमिकल चेंज जो रिएक्शन के टाइम पे होता है उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है? इतना हम सबको समझ आ रहा है कि केमिकल एनर्जी का मतलब वो एनर्जी चेंज जो एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पे हो रहा होता है। अब बेटा उस केमिकल एनर्जी को डिनोट किससे करते हैं, क्या हम केमिकल एनर्जी को डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, क्वेश्चन मार्क। सोच कर अभी अपने मन में आंसर समझ लो, क्या वो डेल्टा एच होता है? आप में से जो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ वो डेल्टा एच होता है, माय डियर स्टूडेंट्स लेट मी कांग्रेचुलेट यू कि आप बिल्कुल गलत हैं।
हाँ बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा हमको लगता है, हमको लगता है कि डेल्टा एच केमिकल एनर्जी होता है क्योंकि हर रिएक्शन के आगे उसका डेल्टा एच वैल्यू लिखा होता है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी हम उसी से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो आपका डेल्टा एच होता है वो आपका बेटा एंथैल्पी चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज होता है, वो आपका केमिकल चेंज नहीं होता। जो आपका केमिकल चेंज होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द गिब्स फ्री एनर्जी। तो अब आपको यहां पर लिखना है दैट केमिकल एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन डिनोट्स इट्स गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, और इसको आप डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते थे। ये सब चीजें आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए हो, ठीक है। ये चीजें आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी, मैं रिवाइज करा रही हूं, ठीक है। आप ध्यान से देख लो, केमिकल एनर्जी जो होता है एक रिएक्शन का, वो एक्चुअली डिनोट करता है उसके गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को, ठीक है। और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होता है वो डेल्टा जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो डेल्टा एच होता है वो एंथैल्पी चेंज होता है, वो आपका एंथैल्पी चेंज होता है कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब और कितनी एनर्जी एमिट करी है, वो आपके केमिकल चेंज को नहीं डिनोट करता। केमिकल चेंज को आपका डेल्टा जी डिनोट करता है। इस बात को दिमाग में बिठा लो, बिठा लिया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट याद है तो डेल्टा जी जो होता है वो आपका बेटा पॉजिटिव जब कब होता था, कोई भी रिएक्शन का अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता था यानी कि आपकी वो रिएक्शन जो है वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। जब भी कोई रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव होता है यानी कि आपकी वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप नहीं हो सकती, उसको बाहर से पुश चाहिए। अगर आपके किसी भी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव आ जाता था, अगर वो नेगेटिव आ जाता था तो आप कहते थे कि मैम ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को देख के आप ये बता सकते हैं कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि केमिकल एनर्जी चेंज आप देख के बता सकते हैं कि जो आपकी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अगर ये थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट याद नहीं था तो अभी आपको समझ आ गया होगा, जो जितना पार्ट यहां पर चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, कोई इशू नहीं है यहां तक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो भाई। लो मैम साइड हो गई, एक सेकेंड के लिए पॉज कर लो, लिख लो, ठीक है, लिख लोगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं पहले सही कर देती हूं, ठीक है। चलो अब देखो भाई यहां पे मैम आपको समझाएंगी कुछ कहानी। हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो मेजरली आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, एक है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक है आपका गैल्वेनिक सेल, ठीक है। मैम अभी तक हमें इन दोनों सेल्स में इतना पता है कि जो गैल्वेनिक सेल होता है, जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है, यहाँ पे होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, तो मैं बस लिख रही हूँ स्पॉन्टेनियस, ठीक है, और यहाँ होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, तो यहाँ मैम ने लिख दिया नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, परफेक्ट। पहला पॉइंट तो मैम हमें पता था, वो तो हमने लिख दिया। अब दूसरे पॉइंट के लिए आपको मैम ने जो फोन चार्ज और डिस्चार्ज वाली कहानी बताई थी ना, उस कहानी को यूज करना है। अच्छा नहीं, उससे पहले हम क्या लिख सकते हैं, अगर स्पॉन्टेनियस है तो बेटा इसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, अभी पढ़ के आए हैं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, नेगेटिव, हाँ, तो बेटा ये होता है नेगेटिव क्योंकि स्पॉन्टेनियस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा, और यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो यहां तक भी दिक्कतें नहीं आई। अब मैम आपको डिस्चार्ज वाली कहानी बताती है, ठीक है। हाँ, अब बेटा मुझे एक बात बताओ, जब आप फोन को चार्ज करते हो, मैम जब हम फोन को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। जो चार्ज वाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फोन के केमिकल एनर्जी में। ये तो मैम मुझे जब पता चल गया कि चार्जिंग के टाइम पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। अब उस टाइम पे बेटा आपको बाहर से उस चार्जर को इलेक्ट्रिसिटी में लगाना पड़ता है, यानी कि आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, यानी कि बाहर से एक पुश आ रहा है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि जो चार्जिंग हो रही होती है वो एक पुश के साथ होती है, बाहर से उसको एक पुश मिलता है,
यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस से कुछ ना कुछ उसका रिलेशन हो सकता है ना। हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, फिर से सुनो, फिर से सुनो। जब चार्जिंग होती है तो आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, आपने कोई स्विच में लगाया तो बाहर से आपने एनर्जी ली, उस एनर्जी ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया फोन के, है ना। तो बेटा उस केस में आपने बाहर से एनर्जी ली तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। तो बेटा जो चार्जिंग में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, चार्जिंग में जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है आपके केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, और यही आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, ये बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है ना, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। यानी कि चार्जिंग के टाइम पे वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर रहा होता है जिसमें हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, इतना आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज करा दूंगी, अब आगे सुनो। अब गैल्वेनिक सेल, अब आपका फोन हो गया चार्ज, आपने फोन को बाहर निकाल लिया, अब फोन को आप यूज कर रहे हो। तो जब आप फोन को यूज कर रहे होते हो तो क्या आपको बाहर से कोई पुश मिल रहा है, कोई आपको फोर्स थोड़ी लग रही है कि भाई उसको यूज करो और फिर उसकी बैटरी कम होगी। नहीं, आप यूज करते हो वो अपने आप कम होती रहती है बैटरी। यानी कि ये बेटा स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, अपने आप हो रहा है। अगर आप फोन को छोड़ भी दोगे तो धीरे 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 आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल, सॉरी, आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती रही, वो स्पॉन्टेनियस है। यानी कि डिस्चार्जिंग वाला जो प्रोसेस है वो मैम स्पॉन्टेनियस है। तो जो डिस्चार्जिंग वाला प्रोसेस होता है ना, वो कहाँ कहाँ आएगा, गैल्वेनिक सेल में आएगा। वो कहाँ आएगा, गैल्वेनिक सेल में आएगा। और आप यहां पर क्या कह सकते हो मैम, हम यहां पर ये कह सकते हैं दैट इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे बेटा जो आपके फोन की केमिकल एनर्जी थी, यानी कि मैम इस टाइम पे केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। फोन चल रहा होता है ना, उसमें इलेक्ट्रिक वो लाइट दिखती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही होती है। तो इससे आपने जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट था वो आपको याद हो गया। अगर आप ये सीधा बुक में पढ़ते, आप कभी याद नहीं कर पाते, मेरे से लिख के ले लो, लेकिन अब आप कभी नहीं भूलोगे अगर आपको सारी चीज समझ आ गई है। फिर से समझते हैं, ठीक है। ओके मैम, मुझे इतना पता था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस, गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसका मैम डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये भी मुझे पता है। अब आप अगर यहां पर एनर्जी कन्वर्जन के बारे में पूछोगे तो मैम मैं रटूंगा नहीं, मैं समझूंगा। अगर मैं फोन को चार्ज कर रहा होता हूं, यानी कि मैं बाहर से एनर्जी ले रहा हूं, और अगर आप बाहर से एनर्जी ले रहे हो यानी कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फोन की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, बाहर से ले रहे हो फोर्स, तो यानी कि वो क्या है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आएगा। तो जो डिस्चार्ज चार्जिंग वाला प्रोसेस होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जाती है, और यही होता है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब आते हैं फोन यूज करने पे। फोन यूज करने के लिए कोई पुश नहीं करता, हम अपने आप फोन यूज करते हैं भाई, हमारे फोन अपने आप डिस्चार्ज होते रहते हैं क्योंकि हमें कोई पुश ही नहीं करता, है ना। तो जब आपको कोई पुश नहीं कर रहा और फिर भी काम हो रहा है तो वो होता है स्पॉन्टेनियस, तो वो हो रहा है स्पॉन्टेनियसली गैल्वेनिक में। और उस टाइम पे क्या हो रहा है, जो फोन की केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस तरह से आपने सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट को एक्सेल कर लिया। कैसा लगा जरूर बताइएगा, है ना। हाँ, तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। और ये क्वेश्चंस जो हैं, लेट मी टेल यू सीयूईटी, नीट, जेई मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके तीन चार पॉइंट्स मैम ने बताए हैं, इनसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता ही आता है, और हमेशा अगर रट के जाते हैं बच्चा पार्टी तो फिर वो गलत भी कर देते हैं, राइट। यस, क्योंकि रटा हुआ ज्यादा दिन याद नहीं रहता है, ठीक है। अब देखो, अब ये कहानी पढ़ोगे तो सारी समझ आएगी। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द डेल्टा जी फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो डेल्टा जी क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है,
गिब्स एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपको गिब्स एनर्जी मिलती है ना, और दे रहे हैं इसका मतलब है कि वो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आगे देखो एग्जाम्पल, वॉटर जो है वो H2+O2 में जाता है। द डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी इन गैल्वेनिक सेल। अब देखो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है मैम, गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस यानी कि जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी, केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। देखो इज द गिब्स कहा इन गैल्वेनिक सेल द गिब्स एनर्जी, बेटा ये ना गायब हो गया बट ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, कन्वर्टेड लिखा हुआ है, कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये दोनों चीजें इन्होंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है यहां तक। लो मैम साइड हो जाएंगी, पॉज करो वीडियो को और फिर लिख लो, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आई होप लिख लिया होगा। अब बेटा हम इतना तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक के बीच का डिफरेंस, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, बता रही हूं, प्रैक्टिस भी करेंगे। अब जो अगला सवाल आता है वो ये है कि दोनों को इंडिविजुअली पढ़ना है, दोनों को इंडिविजुअली भी तो समझना है, तो चलिए अब दोनों को इंडिविजुअली समझते हैं। होता क्या है के पास में एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, एंड मैम इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है यानी कि उसको बाहर से फोर्स चाहिए 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 होती है। तो मैंने बाहर से फोर्स लगवा दी और मैंने यहां पर क्या किया, एक बैटरी लगा दी, ठीक है। तो ये बैटरी अगर लगी हुई है तो मतलब कि आपको कौन सा सेटअप दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलिटिक का, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो मैम इलेक्ट्रोलिटिक के बारे में जो जो चीजें मुझे पता है वो मैं लिख लूं यहां पे, लिख लें, चलो इलेक्ट्रोलिटिक सेल पहली चीज जो हमें पता है, अब तक रट जानी चाहिए, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, तो मैम नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, पहली चीज मुझे ये पता है। दूसरी चीज मुझे क्या पता है, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो केमिकल जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और मैम अगर आप मुझे इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोल रहे हो इसका मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब चार्जिंग वाला पार्ट है ना, क्योंकि बाहर से फोर्स लग रही है। तो मैम जब चार्जिंग होती है तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है, आपकी केमिकल एनर्जी में, किसमें कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है, यस। तो मैम इतनी चीजें मुझे पता थी, अब बाकी की चीजें आप बता दो, ठीक है मैम बता देंगी। सुनो क्या होगा अब आगे, इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपके पास में कभी भी कोई भी सेल होता है तो उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, वो सब चीजें हमें धीरे धीरे पता चलेगी। अब बेटा आपके पास में एक सोल्यूशन है और वो जो सोल्यूशन है, लेट अस से यू हैव एक्वस NaCl सोल्यूशन, ठीक है, Na+ और Cl-, यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास में एक एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, यानी कि आपको पता है कि ये क्या है, एक सॉल्ट है, सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, अपने आयंस में टूट जाता है, तो आपका Na+ जो है वो भी टूटेगा और जो Cl- है वो भी अपना अलग पड़ा है, आयंस है, ठीक है, ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे आयंस है। अब बेटा बैटरी के साथ अगर आपके इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड हैं तो जो नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा वो आपका नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होगा, इतना तो समझ आता है ना, अगर नेगेटिव पार्ट से कनेक्टेड है तो नेगेटिव ही होगा, यस मैम। तो बेटा यहां पर आपके सारा जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव से चार्ज कनेक्टेड है। अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहां पर मैम ने पॉजिटिव पॉजिटिव बना दिया, ठीक है, इतना अभी तक मुझे समझ आया। अब देखो अगर आप यहां पर कुछ ध्यान से देखेंगे तो जो Na+ आयंस है बेटा, जो आपके Na+ आयंस है वो क्या है मैम, Na+ का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो Na+ जो है वो उधर जाएगा जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, है ना। Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है तो पॉजिटिव वाली चीज नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाना चाहेगी, और आपका पॉजिटिव वाली चीज नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाना चाहेगी, यानी कि मैम Na+ जो है वो इधर जाना चाहे, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब अगर Cl- से पूछें तो Cl- भी तो उधर ही जाएगा, आपको पता है ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो मैम Cl- जो है वो किधर जाएगा,
पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। तो बेटा आपका जो सीएल चार्ज नेगेटिव चार्ज है वो आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर नेगेटिव टर्मिनल के पास है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है मतलब बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, होता क्या है कि ये जो आपका Na+ है, ये जो आपका Na+ है वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। आपको पता है कि Na जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Na सॉलिड बना लेता है, ठीक है। तो आपका Na+ जो एक्वस सॉल्यूशन में था वो सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड पे गया, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या हुआ, नेगेटिव जो आपका इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर चला गया। तो मैम Na प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Na सॉलिड बना रहा है। सिमिलरली अगर आप Cl माइनस की बात करोगे तो Cl माइनस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो Cl माइनस क्या करेगा बेटा, Cl माइनस जो है वो आपका Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और फिर वो उधर चला जाएगा। यानी कि मुझे एक चीज समझ आ रही है कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो नेगेटिव वाले के पास जाना चाहेगा और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव वाले के पास जाना चाहेगा। इतना आपको समझ आया, ठीक है, यस। अब बेटा आपको नहीं पता कि इन इलेक्ट्रोड में से कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, वो कैसे पता चलेगा। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको अपने पास लिखनी है बहुत ही ध्यान से, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन, क्या है, ऑक्सीडेशन। तो भैया ऑक्सीडेशन होता क्या है, कभी भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो यानी कि मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि एग्जाम्पल के साथ समझेंगे भाई, एग्जाम्पल के साथ चीजें समझ आती हैं। मान लो आपके पास में कोई ए एटम था, इस ए एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में ए क्या बन जाएगा, ए के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यानी कि वो क्या बन जाएगा, ए प्लस, है ना। हाँ, हमेशा ध्यान रखना प्लस और माइनस, न्यूट्रल इधर है तो न्यूट्रल इधर होगा, अगर इधर प्लस वन चार्ज हो तो इधर भी प्लस वन होना चाहिए, मतलब कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है। तो जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, पहली चीज, ठीक है। इसके बाद में अगर आप ऑक्सीडेशन समझ चुके हैं तो अब आप रिडक्शन समझ जाएंगे। अब थोड़ा रिडक्शन पर ध्यान दीजिए, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लो तो उसे रिडक्शन कहते हैं। तो लिख लो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो जो आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका रिडक्शन होता है। अब आप कहोगे मैम बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ आता हमें, तो चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लो आपके पास में ए एटम है और उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, अगर उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो प्लस इलेक्ट्रॉन होगा और आपको क्या मिल जाएगा, अब अगर कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उस पर आ जाता है ए नेगेटिव चार्ज। अब देखो इधर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है तो इधर भी ओवरऑल वन नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा दोनों साइड इक्वल चार्ज होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका रिडक्शन, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। अब जो अगली बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है दैट ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगी, कुछ भी कर लो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे ही होगी। यानी कि मैम ऑक्सीडेशन जब भी आ रहा है मुझे समझ आ जाना चाहिए कि वो कहां हो रही होगी, एनोड पे हो रही होगी। पूरी केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगी, कुछ भी हो जाए, ये बात आपको रट लेनी है, ठीक है। सिमिलरली बेटा रिडक्शन
always takes place at कैथोड। तो जो आपकी रिडक्शन है वो हमेशा हमेशा कैथोड पे होती है, चाहे कुछ भी हो जाए पूरी केमिस्ट्री में। मैम रिडक्शन कहां होगी? हमेशा आपकी कैथोड पे होगी, कुछ भी कर लो। रिडक्शन विल ऑलवेज टेक प्लेस एट कैथोड, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ आई हैं तो इसके बाद में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड, रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड, ठीक है। चलो अब यहां पर वापस आ जाते हैं। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, Na प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यानी कि मैम ये जो ये वाले इलेक्ट्रोड की आप बात कर रहे हो ना, इस इलेक्ट्रोड पे Na प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और Na सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि Na क्या है बेटा, गेन कर रहा है, और गेन क्या होता है, रिडक्शन। तो बेटा यहां पर हो रहा है रिडक्शन, है ना। और अगर यहां पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन कहां पर होता है? मैम रिडक्शन होता है हमेशा कैथोड पे, तो यानी कि ये जो है वो आपका कैथोड है। तो क्या आप यहां से ये चीज समझे बेटा कि रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, और इस इलेक्ट्रोड पे अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कि मैम ये मेरा कैथोड है, इसका मतलब है कि मैम ये मेरा कैथोड है, राइट? यस। अब आगे बढ़ो, अगला खुद ट्राई करो भाई, अब हर चीज थोड़ी मैम करके बताएंगी, अगला खुद ट्राई करो, बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। Cl- जो है वो Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। हाँ तो यानी कि मैम यहां पर हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वो होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, तो ये हो रहा है भाई ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होता है, एनोड पे, तो यानी कि ये क्या है आपका एनोड, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर वाला कैथोड नीचे वाला एनोड, यहां पर सीएल माइनस जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन कहां दे रहा है, ए वाले इलेक्ट्रोड पे, यानी कि ये क्या है आपका एनोड, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट अभी तक नहीं। अब हम चार्ज भी देख लेते हैं, अब बेटा हम चार्ज भी देख लेते हैं। अगर आप चार्ज देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, देखना कैथोड नेगेटिव से कनेक्टेड है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि मैम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। और अगर आप इस इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो मैम यहां पर हमेशा एनोड है ये, और एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। और अगर अब कोई आपसे ये चीज आपके दिमाग से निकाल ले तो मैम का नाम बदल देना, ठीक है। अब आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया है, और ऐसे क्वेश्चंस अगेन आपसे CUET नीट जेई बेटा इन सब में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड का क्या चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड का क्या चार्ज होता है। अगर आपने रटा है तो भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने ऐसे समझा है तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हो, ठीक है। फिर से समझते हैं, हमने क्या किया, Na प्लस लिया, Cl माइनस लिया, हमें पता था कि बैटरी से कनेक्टेड है तो ये नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा। अब मैम Na प्लस जो है वो हमेशा किधर जाएगा, नेगेटिव वाले के पास, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। Cl माइनस हमेशा पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, तो हमने उस हिसाब से रिएक्शंस लिख लिए। अब आपको समझ आ रहा है कि ये जो दोनों रिएक्शंस है ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, लेकिन अगर आपने बैटरी लगाई है तो वो बैटरी इन रिएक्शंस को कर देगी, क्योंकि बाहर से आप फोर्स दे रहे हो, ठीक है। हाँ, अब आपको पता है कि हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, तो मैम यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हमेशा कहां होता है, कैथोड पे, तो मैम ये कैथोड है। अब बेटा कैथोड कौन सा चार्ज हो गया फिर, नेगेटिव, तो मैम ये नेगेटिवली चार्ज होती है हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। एनोड की अगर बात करोगे तो मैम एनोड पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड है, तो एनोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। बस इतनी सी तो कहानी थी, इतनी सी कहानी थी, सारी की सारी क्लियर होगी, होगी आई थिंक सो। तो इसको आप फटाफट पॉज करके लिख भी लो और अपने माइंड में इस पूरी स्टोरी को रिवाइज भी कर लो, ठीक है। तो जल्दी से लिखो, तब तक मैं पानी पी रही हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
ये भी लिख लो, लिख लिया, बड़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, जो जो चीजें पढ़ी है वो चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, अब आपको दिक्कत नहीं आनी है। द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन हैपेंस इज नोन एज एनोड। हमें क्या बता रहे हो, हमें पता है ना। द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन हैपेंस इज नोन एज कैथोड। ओके, इलेक्ट्रोड्स आर द मेटालिक प्लेट्स। जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो आपकी मेटालिक प्लेट्स होती हैं। अब बेटा दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं बता दूं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं या लॉस होते हैं, कभी भी एक्वस सॉल्यूशन, जो आपका यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है ना, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना या लूज होना इस सॉल्यूशन के अंदर नहीं होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे होता है। यानी कि चाहे आप लूज कर रहे हो, चाहे आप गेन कर रहे हो, ये जो इलेक्ट्रोड का सरफेस है ना, इसके ऊपर आप इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन कर सकते हो। कभी भी सॉल्यूशन के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो समझ लेना कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो अकेले सॉल्यूशन में नहीं रह सकते, हमेशा उनका एक्सचेंज सरफेस पे होता है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पढ़ लो। देखो, वी ऑलवेज अज्यूम एक्वस सॉल्यूशन। ऑब्वियसली आप एक्वस सॉल्यूशन अज्यूम करोगे, तभी तो वो अपने आयंस में कंप्लीटली टूटेंगे और फिर आपका पूरा प्रोसेस होगा। अगला देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रिमेन इन द सॉल्यूशन। जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सॉल्यूशन में नहीं रह सकते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ इलेक्ट्रोड। वो हमेशा इलेक्ट्रोड के सर्फेस पे प्रेजेंट होंगे। द रिडॉक्स चेंजेस कैन टेक प्लेस एट द सर्फेस ऑफ द इलेक्ट्रोड ओनली। अब आप कहोगे मैम रिडॉक्स क्या? बेटा जो आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस लिखी वहां पे, उन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो हमेशा जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां पे रिडक्शन भी हो रहा होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन को गेन भी करेगा, तो हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस होते हैं और इसीलिए इनको रिडॉक्स रिएक्शंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है इसलिए ये रिएक्शन हमेशा सरफेस पे होती हैं। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़िए जी, आगे बढ़िए, ठीक है मैम। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो समझ आ गया, अब आप हमें गैल्वेनिक सेल बता दीजिए। तो बेटा गैल्वेनिक सेल जो है वो आपके एनसीईआरटी में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक इतना डिटेल में नहीं किया हुआ, लेकिन मैम ने आपको समझा दिया क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अब हम गैल्वेनिक सेल पे आते हैं, ठीक है। बेटा गैल्वेनिक सेल को दो और नामों से जाना जाता है, तो वो दो नाम कौन से हैं, क्या आप हमें ये बता सकते हैं? तो जरा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब मैं ही बता देती हूं, तो आपके गैल्वेनिक सेल को वोल्टिक सेल एंड डेनियल सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मैम स्पेलिंग गलत लिख सकती हैं, बट ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इन दो नामों से भी अगर कोई आ जाए तो समझ जाना गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए जो जो चीजें हमें पता थी हमने लिखी थी, सेम उसी तरह से हम गैल्वेनिक सेल के लिए भी जो जो चीजें हमें पता है हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो मुझे गैल्वेनिक सेल के लिए पहली चीज पता है कि यहां पर होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या होती है बेटा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। दूसरा, अब मैम अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है तो डेल्टा जी जो होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो मैम यहां पर डेल्टा जी होता है नेगेटिव, ओके। अब थर्ड जो है वो है मैम, आप एनर्जी चेंज के बारे में पूछोगे। तो मैम स्पॉन्टेनियस यानी कि हमें कुछ नहीं करना, अपने आप हो रहा है। अपने आप होता है मतलब कि मैम हम फोन को यूज कर रहे हैं, यानी कि उसकी डिस्चार्जिंग हो रही है, और जब डिस्चार्जिंग हो रही होती है तो जो फोन की केमिकल एनर्जी है, यानी कि मैम जो फोन की केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां से मुझे ये चीजें भी बिल्कुल क्लियर हो गई, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ चलो, यहां तक तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कहानी समझते हैं हम गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल में भी अगेन बेटा दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, पर वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा
क्या चार्ज होगा किस पे, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो गैल्वेनिक सेल का बेसिक सेटअप जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। गैल्वेनिक सेल का जो बेसिक सेटअप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहां पर एक इलेक्ट्रोड होता है, यहां पर एक इलेक्ट्रोड होता है, ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, और इसको किसी चीज से कनेक्ट किया होता है। इन सब के नाम हमें जानने हैं, ठीक है, वन बाय वन समझते हैं। ओके चलो बेटा, यहां पर जो हमने ये ग्रे वाला सोल्यूशन लिखा है, ये जो हमने ग्रे वाला सोल्यूशन लिखा है, ये बेटा आपका होता है एक्वस जिंक सल्फाइड सोल्यूशन। ये क्या होता है आपका? एक्वस जिंक सल्फाइड सोल्यूशन, यानी कि Zn2 प्लस और SO4 माइनस, ठीक है। और जो आपका ये ब्लू वाला सोल्यूशन होता है, ये होता है आपका एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो यानी कि SCU2 प्लस और SO4 माइनस, ठीक है। आपको पता है कि जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं वो कंप्लीटली अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो आपके गैल्वेनिक सेल के अंदर जिसका सोल्यूशन होता है, जैसे कि जिंक सल्फेट में जिंक का सल्फाइड है ना, तो बेटा जो ये इलेक्ट्रोड होगा वो आपका जिंक का होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड जो होता है वो जिंक का होता है। सेम इसी तरह से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो ये इलेक्ट्रोड होगा वो किसका होगा? कॉपर का होगा। तो मैम ने अभी तक आपको कई चीजें बताई, क्या जब आप एक गैल्वेनिक सेल की बात करते हो तो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और वो अपने अपने एक्वस सॉल्यूशंस में डिप्ड होते हैं और उनको किसी एक पर्टिकुलर चीज से कनेक्ट किया होता है। वो एक पर्टिकुलर चीज क्या है वो मैम आपको अभी बताएंगी, ठीक है। नाउ जो दो सॉल्यूशंस होते हैं, पहला आपका एक्वस जिंक सल्फाइड सॉल्यूशन होता है और एक आपका एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। जो जिंक सल्फाइड सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है वो भी जिंक का ही होता है, और जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो आपका उसका इलेक्ट्रोड आपका कॉपर का ही होता है, ठीक है। ओके मैम, यहां तक हमें सारी चीजें क्लियर है, लेकिन इस बार हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा हमारा एनोड है और कौन सा हमारा कैथोड है, राइट? यस। तो चलिए बेटा, क्योंकि मैम यहां पे तो कोई बैटरी भी नहीं है, बेटा बैटरी यहां पर क्यों नहीं है पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दो। क्या आपके दिमाग में इसका आंसर आया कि यहां पे बैटरी क्यों नहीं है? क्योंकि मैम यहाँ पे सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती हैं, तो बाहर से अलग से फोर्स नहीं देनी होती, तो इसीलिए आपको बैटरी की जरूरत नहीं है। जो भी रिएक्शंस होंगी वो अपने आप होंगी यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, है ना। हाँ, तो अब इस सेल को समझने के लिए आपको मैम पे थोड़ा सा अंधा विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा अंधा विश्वास करना पड़ेगा। अब वो अंधा विश्वास क्या है? मैं आपको बोल रही हूं दो रिएक्शंस मैं आपको लिख के दिखा रही हूं, और मैं आपको कहती हूं कि बेटा मैम पे थोड़ा सा विश्वास कर लो और ये मान लो कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं। अब आप कहोगे क्यों स्पॉन्टेनियस होती हैं? उसका रीजन मैं आपको आने वाली क्लासेस में बता दूंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अंधा विश्वास कर लिया तो मैं कभी उसको जस्टिफाई नहीं करूंगी, लेकिन मैं अभी नहीं जस्टिफाई कर सकती। तो क्या आप अभी मैम पे विश्वास कर सकते हैं? तो कर लो यार थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर आपने मेरे पे विश्वास कर लिया तो मैं दो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस लिख के दे रही हूं। दो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या है? जो आपका जिंक है वो बेटा जिंक 2 प्लस में जाना चाहता है और दो इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है। ये जो रिएक्शन होती है आपकी स्पॉन्टेनियस होती है, ये अपने आप होना चाहती है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। जिंक जो है वो जिंक 2 प्लस में जाके दो इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है खुद से, ठीक है। सिमिलरली जो कॉपर होता है ना, वो हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहता है, ठीक है। इसको आप एक्वस लिख रहे हो तो लिख लो, सॉरी ये तो सॉलिड होगा ना, ये जिंक सॉलिड होगा, ये आपका सॉल्यूशन में एक्वस होता है, कॉपर आपका एक्वस होगा और ये आपका सॉलिड होगा, ठीक है। अगेन बेटा ये भी आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, ये भी क्या होगी? आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? मैम यहां पर आपको मैम पे थोड़ा सा विश्वास करना है, बस ये दो रिएक्शंस के लिए। अगर इतना विश्वास कर लिया अब आप सारा चीजें खुद से फाइंड आउट कर लोगे। अगेन देख रहे हो कैसे, अब देखो क्या होता है। जो आपका जिंक सॉलिड है वो जिंक 2 प्लस में जाना चाहता है खुद से, है ना। तो बेटा अगर ये खुद से जा रहा है तो जिंक 2 प्लस में जा रहा है दो इलेक्ट्रॉन्स देकर, जिंक 2 प्लस में जा रहा है दो इलेक्ट्रॉन्स देकर, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्यों मैम? क्योंकि यहां पे हो रहा है बेटा
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए ना जिंक ने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यानी कि मैम ये जो है ऑक्सीडेशन है। सिमिलरली अगर आप कॉपर टू प्लस की बात करोगे तो कॉपर टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, वो कहता है दो इलेक्ट्रॉन आ जाइए। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है कॉपर, दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहता है तो बेटा यहां पर हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन, क्योंकि मैम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन होता है। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आपको फिर ये बात भी याद होगी कि मैम ने आपको कहा था कि जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां पर उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप यहां से क्या कह सकते हो कि मैम अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है। ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होता है? एनोड पर होता है। अब मैम अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है, तो ये होगा आपका कैथोड। देखा, बस छोटा सा मैम पे विश्वास करने से आपने एनोड कैथोड सब कुछ फाइंड आउट कर लिया, आपने एनोड और कैथोड दोनों फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब चलो हम अपने उस सेटअप पे चलते हैं और उस सेटअप से सारी चीजें समझते हैं। यहां तो आपने एनोड और कैथोड निकाल लिया, अब उसमें लिखो एनोड पे जिंक जो है वो जिंक टू प्लस में जाना चाहता है। तो यानी कि बेटा यहां पर आपको समझ आ रहा है कि ये जिंक वाला पार्ट जो है वो आपका एनोड है, तो पहले तो आंखें बंद करके इसको एनोड लिख लो। और अगर ये एनोड है, कैथोड में क्या हो रहा था? कैथोड क्या था? कॉपर वाला पार्ट, यानी कि मैम ये मेरा कैथोड है। अभी तक इतनी चीज समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद में आपको और क्या समझ आ गया कि मैम जिंक जो है वो जिंक टू प्लस में जाना चाहता है दो इलेक्ट्रॉन्स देके, यानी कि जो जिंक सॉलिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट होना चाहता है खुद से। तो यानी कि बेटा ये जो आपका जिंक है, ये जो आपका जिंक है वो सॉलिड है, यहां पे ये जिंक सॉलिड है और ये आपके पास में जिंक एक्वस है ना। तो ये जो जिंक है ये बेटा एक्वस के अंदर जाना चाह रहा है। समझ आ रही है ये बात? समझ आ रही है? हाँ। अब मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हमेशा कहां होता है? सरफेस पे होता है, सरफेस पे होता है। तो यानी कि अगर जिंक जिंक टू प्लस में जाना चाहता है तो उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, और वो दो इलेक्ट्रॉन कहां पे लूज करे होंगे? इलेक्ट्रोड के सरफेस पे, यानी कि मैम यहां पर। समझ आई? समझ आई बेटा? हाँ। ऐसे ही बहुत सारा जिंक सॉलिड एक्वस में जा रहा है, कूद रहा है। अगर वो कूद रहा है तो वो कहता है कि लो, जैसे होता है ना कि कोई कूद रहा होता है तो वो अपनी चांदी सोना ऐसे दे देता है कि मैं कूद रहा हूं तुम ये ले लो, वही बात हुई। जिंक सॉलिड जिंक टू प्लस में कूद रहा है और वो अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो ऐसे बहुत सारे जिंक चले गए होंगे। तो बेटा सोच लो कितने सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे आ गए होंगे, है ना। हाँ। अब बेटा अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए हैं और सरफेस के ऊपर है, तो क्या आप इस इलेक्ट्रोड को कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रोड मैम नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इसके ऊपर इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। तो ये क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। तो मैं कह सकती हूं कि यहां पर एनोड जो है वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। समझ आया? समझ आया? दोबारा समझाऊंगी, अभी तक इतनी क्लियर हुई बात? चलो अब कॉपर पे चलते हैं। सेम कॉपर की कहानी सुनो। कॉपर कहता कि मैं दो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता हूं, ठीक है, मैं दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बनाना चाहता हूं। यानी कि इस बार क्या हो रहा है, ये जो आपका कॉपर टू प्लस है ये कहता है कि मैं दो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हूं और मैं कॉपर सॉलिड में जाना चाहता हूं। ये आपका कॉपर सॉलिड है, तो यानी कि ये यहां जाना चाहता है, ये यहां जाना चाहता है। अगेन वो दो इलेक्ट्रॉन गेन कहां कर सकता है? वो सरफेस के ऊपर ही गेन कर सकता है। तो यानी कि वो इस सरफेस के ऊपर जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो उन्हीं को लेके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो अगर आप किसी चीज से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हो, अगर आप किसी चीज से इलेक्ट्रॉन ले लेते हो, तो उस चीज के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो अगर कॉपर इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहता है, तो मैं कह सकती हूं कि ये पूरा इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लगी, है ना, है ना। कॉपर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में जा रहा है, सरफेस के ऊपर सारा इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि मैम कैथोड जो है वो गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिवली चार्ज होता है।
समझ आया, समझ आया? तो यहां से एनोड आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, एनोड का आपका नेगेटिव चार्ज आ गया और कैथोड का आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितनी सारी चीजें समझ ली। अब बेटा बस अपनी नॉलेज के लिए नोट में लिख लो, अपनी नॉलेज के लिए नोट में लिख लो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ओके, चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके मैम, यहां तक क्लियर है, ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आगे समझना है, आगे क्या समझना है, अगर आप यहां पर इस वाले सॉल्यूशन में देखोगे तो आपके पास में दो तरह के आयंस हैं। एक तो है आपके पास में Zn2+ आयन और एक आपके पास में है SO4 2- आयन। ठीक है बेटा, जैसे 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 आपकी रिएक्शन हो रही है वैसे वैसे सॉल्यूशन में कौन सा आयन बढ़ रहा है, सोच के बताना। जैसे जैसे सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही है कौन से आयन की अमाउंट बढ़ रही है। अगर आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा जिंक जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि मैम SO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन तो पहले जितनी थी उतनी ही अब है, लेकिन Zn2+ पहले जितना था उससे ज्यादा हो गया क्योंकि और ही और आ रहा है। तो यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि Zn2+ आयन जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है SO4 2- से। सिमिलरली अगर आप यहां पर इस वाले सॉल्यूशन में देखोगे तो दो आयन्स हैं, एक है आपके पास Copper 2+ और एक है आपके पास में SO4 2-। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो आप कहोगे कि मैम SO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन तो उतनी पड़ी है जितनी पहले थी, लेकिन लेकिन अगर आप Copper 2+ आयन की बात करोगे तो बहुत सारा Copper 2+ कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता जा रहा है। अगर वो Copper 2+ में कन्वर्ट होता जा रहा है इसका मतलब है कि Copper 2+ की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है और SO4 2- कंपेरेटिवली ज्यादा है, तो यानी कि मैम यहां पर SO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। अब अगर आपको इतना समझ आया तो इसके आगे की कहानी भी आपको समझ आएगी कैसे। अब ध्यान से देखना बेटा, जब जिंक सॉलिड ऐसे था, जिंक सॉलिड ऐसे था, जिंक सॉलिड से सारा का सारा जिंक जो है वो Zn2+ में जाने लग गया। तो जिंक सॉलिड पहले ऐसे था, फिर उसमें से Zn2+ जाने लग गया, तो जिंक सॉलिड ऐसे हो गया, पतला पतला पतला, समझ आ रहा है। जिंक सॉलिड पहले इतना मोटा था, फिर धीरे धीरे जिंक 2+ फॉर्म में जाने लगा तो वो धीरे धीरे पतला होने लगा। यानी कि आप क्या कह सकते हो दैट जैसे जैसे रिएक्शन होता है आपका आपका जो एनोड है वो क्या होता रहता है, पतला होता रहता है। यस, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यहां पर एक और नोट बना के आप चीज लिख सकते हो दैट एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, as the reaction proceeds zinc electrode becomes thinner, है ना, पतला होता रहता है, इतना दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, अगर Copper 2+ कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो यानी कि जैसे जैसे रिएक्शन होगी ज्यादा से ज्यादा कॉपर सॉलिड जो है Copper 2+ जो है वो कॉपर के अंदर जाएगा। तो अगर वो उसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो पहले अगर कॉपर ऐसे था तो फिर कॉपर ऐसे हो जाएगा, है ना, यानी कि पहले कॉपर ऐसे था और फिर धीरे धीरे मोटा होता गया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं दैट एज द रिएक्शन प्रोसीड्स कॉपर इलेक्ट्रोड थिकन्स, वो थिक होता रहता है। समझ आ रही है, समझ आ रही है, समझ आ गई, ठीक है, यहां तक भी किसी को कोई डाउट नहीं है। अब क्या होगा, ऐसे रिएक्शन होती रहेगी होती रहेगी, फिर एक ऐसा टाइम आएगा, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी रिएक्शन रुक जाएगी, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी बेटा, रुक जाएगी। जब आपकी रिएक्शन रुक जाएगी तो क्या होगा, ठीक है, जब आपकी रिएक्शन रुक जाएगी तो क्यों क्यों हो रुकी, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि मैम क्यों रुकी। तो बेटा आपकी रिएक्शन इसलिए रुकी क्योंकि जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड था उसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए,
ठीक है, और जो आपका कॉपर वाला इलेक्ट्रोड था वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन्स का सैचुरेशन आ गया, अब इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इलेक्ट्रॉन हम नहीं ले सकते हैं, सरफेस पे जगह नहीं बची, ठीक है, तो फिर रिएक्शन रुक जाएगी, यानी कि उन इलेक्ट्रॉन्स का कोई तो इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो भैया रिएक्शन रुक जाएगी। तो फिर क्या किया गया, तो फिर क्या किया गया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब बेटा अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इन दोनों ने आपस में बातचीत की और इन्होंने कहा कि ठीक है तुम मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दो, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और वो एक्सेप्ट कर लेगा, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, इसका भी भला उसका भी भला, वही बात हुई। तो भाई यहां से क्या हुआ, जब कनेक्ट किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जाना शुरू हो गए। अब बेटा आपने फिजिक्स में ये तो पढ़ा होगा, फिजिक्स में ये तो पढ़ा होगा, करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आपका एनोड से कैथोड हो रहा है तो आपके करंट की डायरेक्शन जो होगी वो कौन सी होगी, इस साइड होगी, तो ये आपका करंट फ्लो होगा। तो आपका करंट कहां से फ्लो करता है गैल्वेनिक सेल में, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, अगर इसके बीच में बल्ब लगा दिया तो वो जल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि गैल्वेनिक सेल जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं और बेटा स्पॉन्टेनियस होने की वजह से अपने आप रिएक्शंस होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, यस। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा कि इन दोनों को कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, करंट डायरेक्शन जो थी वो ऑपोजिट हो गई। तो नोट्स में लिख लो, अरे यार, तो नोट्स में लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। गैल्वेनिक सेल में ही करंट फ्लो करता है और वो करंट फ्लो करता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि करंट कहां से कहां फ्लो करता है, तो करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा, ठीक है, यस। तो यहां तक किसी को कोई डाउट, अभी तक नहीं है डाउट बेटा, कोई डाउट नहीं है, मैं आपको फिर से ये पूरा पूरा कहानी रिवाइज कराऊंगी, धीरे धीरे वन बाय वन हम हर एक स्टेप को समझ रहे हैं, चलो ठीक है। ये वाली टेंशन को हमने दूर किया, हमने कहा कि चलो ठीक है तुमने ये दिक्कत कही तो हमने इस दिक्कत को दूर कर दिया इसको कनेक्ट करके। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी देर रिएक्शन हुआ, फिर थोड़ी देर रिएक्शन हुआ, फिर से रुक गया। अब मैंने पूछा कि अब क्या हुआ, अब क्यों दोबारा रुका, तो अब क्या हुआ कि यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा जिंक 2 प्लस हो गया है ना, और अगर यहां देखोगे तो यहां पर बहुत ही ज्यादा SO4 2 माइनस हो गया, यानी कि यहां पर एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहां पर एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज हो गया। तो एक्सेसिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से रिएक्शन रुक गया, कहता कि बस भाई इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मैं और हैंडल नहीं कर पाऊंगा, और वो कहता इतना नेगेटिव मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि अगर हम किसी तरह से इन दोनों को कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, अगर आपने इन दोनों को किसी तरह से कनेक्ट कर दिया तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज कर लेंगे और फिर हमारी रिएक्शन और ज्यादा हो पाएगी। और तब रोल आया किसका, सॉल्ट ब्रिज का। तो ये जो आपका सॉल्ट ब्रिज होता है, फिर बेटा ये सॉल्ट ब्रिज होता है जिसको आप कनेक्ट करते हो ताकि एक्सेसिव पॉजिटिव और एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज ना जनरेट हो, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहे। तो ये काम होता है सॉल्ट ब्रिज का, सॉल्ट ब्रिज एक इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, ठीक है। तो यहां पर ये हमने इंट्रोड्यूस किया और फिर इनकी ये वाली टेंशन भी खत्म हुई और फिर आपका जो सेल है वो और ज्यादा काम करने लगा। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है डाउट बेटा, बस इतना ही था आपका गैल्वेनिक सेल, सिर्फ इतना ही था आपका गैल्वेनिक सेल। सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी, लेकिन गैल्वेनिक सेल सिर्फ ये था, ठीक है। तो एक बार पहले आप
इसको लिख लो और अपने हिसाब से समझ लो, ठीक है? फिर मैं आपको पूरा का पूरा रिवाइज कराऊंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये लिख लो बेटा और फिर ये वाला भी लिख लो, ठीक है? वीडियो को पॉज कर लो और ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो अब करते हैं इस पूरे चीज को रिवाइज। लिख तो आपने लिया होगा। तो बेटा अब हमने अभी तक बेसिकली पढ़ा क्या, क्योंकि गैल्वेनिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर छोटी छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे बेटा। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि गैल्वेनिक सेल के बारे में हमें पता क्या है। मैम वो स्पॉन्टेनियस होता है, उसका डेल्टा जी वैल्यू गिब्स फ्री एनर्जी चेंज केमिकल एनर्जी नेगेटिव होती है। एंड मैम केमिकल एनर्जी जो है वो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो हमें किससे समझ आता है, फ्रॉम द डिस्चार्जिंग प्रोसेस, जब हम फोन यूज कर रहे होते हैं तो हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा होता, राइट? यस, तो इतना क्लियर है, अब आगे बढ़ो बेटा। उसके बाद में हमने सेटअप को रखा। अब सेटअप में आपने देखा कि आपके पास में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड है, आपको नहीं पता कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, वो कैसे निकाला। अब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर एक जिंक सल्फेट सोल्यूशन होता है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है। इसके अंदर ऑब्वियसली जिंक का इलेक्ट्रोड होगा और यहाँ पर बेटा आपके पास में कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है? यहां तक कोई डाउट नहीं है, आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मैम? तो बेटा इसके बाद में क्या होता है कि आप दो चीजें, मैम ने आपको विश्वास करने के लिए कही थी कि दो ऐसी रिएक्शंस जो स्पॉन्टेनियस होती हैं वो एक बार के लिए मान लो। तो आपने मान लिया कि ठीक है मैम, जिंक से जिंक प्लस जाता है और टू इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, यहां पर जिंक टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और रिडक्शन होती है। अब मुझे पता है कि ऑक्सीडेशन कहां होता है और रिडक्शन कहां होता है, उससे मैंने कैथोड और एनोड निकाल लिया, हमने कैथोड और एनोड निकाल लिया। अभी भी हमें चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, एनोड और कैथोड। अब हम चार्ज कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जब जिंक जो है वो जिंक टू प्लस में जाएगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन तो कैथोड पे ही डाल के जाएगा, तो बेटा वो कैथोड पे डाल के इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक है? उसके बाद में कॉपर टू प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव नेगेटिव बहुत हो जाएगा, तो पक्का ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और ये क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। यहां तक क्रिस्टल क्लियर हुआ, यहां से हमने कैथोड और एनोड के चार्जेस निकाले। फिर हमें पता चला कि एक प्रॉब्लम क्या आती है कि इन दोनों के जो चार्जेस हैं वो एक्सेस हो जाते हैं, तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया ताकि इसके पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो यहां से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपके करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी। तो मैम इस तरीके से हमें करंट फ्लो की डायरेक्शन मिल गई और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई, परफेक्ट। उसके बाद में बेटा आपने क्या देखा कि जिंक 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती रहेगी और यहां पर सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती रहेगी, तो एक्सेसिव पॉजिटिव और एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इसको नलिफाई करने के लिए, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को नलिफाई करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हमने क्या किया, हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक सॉल्ट ब्रिज से, जो क्या करता है, एक इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, राइट? तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद में आपने यहां पर ये सब चीजें देखी, यहां पर आपको सारे के सारे डेफिनेशंस जो है वो सब आपको यहां पर मिल रही है, राइट? यस, परफेक्ट है। तो ये आप तक हमने अभी तक पढ़ लिया है। अगर यहां तक आपको क्लियर है तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब बेटा जो आपने सॉल्ट ब्रिज के बारे में इंफॉर्मेशन रखी है उस इंफॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब अगर हम यहां पर सॉल्ट ब्रिज के लिए लिखें तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो बेटा सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, मतलब बेसिकली आपके सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या काम है वो आपको यहां पर बताने हैं, ठीक है? यस, तो फंक्शंस क्या है सॉल्ट ब्रिज के, मैम ने सबसे पहले बताया कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, राइट? तो आप यहां पर लिखोगे इट मेंटेन्स इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी, ठीक है? स्पेलिंग थोड़ी सी बच्चे चेक कर लेना कि वो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। दूसरा पता है क्या करता है वो, दूसरा वो ये करता है कि वो एक पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम सर्किट को कैसे कंप्लीट करता है, तो ध्यान से देखो बेटा, कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें सर्किट तो कंप्लीट होता ही है ना, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, अगर प्रॉपर फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो अब देखो,
आपके पास में यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इस नेगेटिवली चार्ज से बाहर तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से बाहर से आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पा रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका चार्ज जा रहा है। अब बेटा इस सोल्यूशन से, इस सोल्यूशन में अगर ये चार्ज नहीं मूव किया तो फिर आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। और ये काम कौन कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज कर रहा है। और ये काम कौन कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज कर रहा है, राइट? यस। तो यानी कि यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं दैट जो सॉल्ट ब्रिज है वो आपका सर्किट भी कंप्लीट करता है और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है या फिर आपका गैल्वेनिक सेल वर्क कर रहा है। यानी कि जो अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज इट कंप्लीट द सर्किट, ये आपका सर्किट भी कंप्लीट करता है, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। अब इसके बाद में जो तीसरा फंक्शन होता है वो क्या होता है? दैट इट रिड्यूसेस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। समझाती हूं, अभी इसे लिख लो, इट रिड्यूसेस द लिक्विड 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 जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब होता क्या बेटा, क्योंकि यहां पर एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहां पर एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज हो गया, जिसकी वजह से एक जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो वर्क, ये गैल्वेनिक सेल है, वर्क करना बंद करता है। तो अगर आप इस सॉल्ट ब्रिज को यहां पर लगा दोगे तो क्या होगा बेटा, यहां पर जो वो लिक्विड जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ है ना, वो आपका कम हो जाएगा और फिर आपका सेल वर्क करने लग जाएगा। तो ये तीन मेजर फंक्शंस होते हैं और आपसे सिर्फ फंक्शंस ही पूछे जाते हैं, बहुत डिटेल डिस्कशन सॉल्ट ब्रिज का आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सॉल्ट ब्रिज से रिलेटेड, वो ये आता है कि भैया सॉल्ट ब्रिज जो है वो बना हुआ किससे है, राइट? तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सॉल्ट ब्रिज। तो बेटा सॉल्ट ब्रिज के बारे में तो काम बात कर ही रहे हैं, फिर भी मैं यहां पे लिख देती हूं सॉल्ट ब्रिज फिर से। तो अब अगर आप सॉल्ट ब्रिज के मेकिंग की बात करेंगे तो बेटा सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो किससे बना होता है मैम, ऐसा क्या होता है कि वो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लेता है? तो बेटा ये जो होता है वो बना होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से। तो इट इज मेड अप ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। नाउ द क्वेश्चन कम्स, अब आपके मन में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि मैम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब, पहले एग्जांपल्स लिख लो बेटा, एग्जांपल्स जैसे कि KCl हो गया, KNO3 हो गया। तो बेटा ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिससे आपका जो सॉल्ट ब्रिज है वो बन जाता है, ठीक है। और ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये एक्चुअली इनर्ट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आपके ये जो सोल्यूशन है ना, ये वाला या ये वाला, इनके साथ रिएक्शन ना करें। अगर इनके साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो फिर सॉल्ट ब्रिज का रोल जो है वो खत्म हो जाएगा, राइट? यस। तो सॉल्ट ब्रिज आपका एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट से बना होता है जो इन दोनों सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट ना करे, और इसीलिए उसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास में KCl है तो ये KCl से बना होगा, तो ये KCl पता है क्या करेगा, ये जो आपका KCl है, मैं यहां लिख देती हूँ KCl, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इधर आपके पास एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा इस तरह ना Cl- आने लग जाता है और यहां पर आपका K+ आने लग जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है, जो एक्सेसिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो खत्म हो जाता है। अब अगर ये इसके साथ रिएक्ट कर जाते तो फिर तो ये हो ही नहीं पाता, राइट? यस। तो इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये है बेटा, ये भी आप लिख लीजिए, दैट इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्रॉइड्स। ये पॉलीसेक्रॉइड्स से बना हुआ होता है। एग्जाम्पल आप यहां पे लिख लो नाम अगर अगर, ठीक है, ये नाम भी आपको आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये नाम भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि ये जो है ये पॉलीसेक्रॉइड्स से बने हुए होते हैं, ये पॉलीसेक्रॉइड से बने होते हैं, जैसे अगर अगर। तो ये सिंपल सा फंक्शन था आपका सॉल्ट ब्रिज का, काम क्या होता है, किस चीज से बना होता है, बस। इसके अलावा आपसे कोई भी चीज सॉल्ट ब्रिज में नहीं पूछी जाती है। तो आपको ये सारी चीजें मेंशन यहां पे मिल गई हैं, इसको लिख लो, फिर हम आगे
बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया, यहां तक आई होप आपने सबने लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा बहुत बढ़िया, आगे अगर हम देखें तो अब हमने जो जो चीजें अभी तक पढ़ी हैं वो सबको मैम हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही अमेजिंग सा तरीका समझाने वाली हूँ जिसको आप पढ़ के सारी चीजें क्लियर कर लोगे। अब आपके पास है गैल्वेनिक सेल, आपके पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपको पता है गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अब आप कहोगे कि मैम इनके ना कहानी से तो हमें फिर याद है, स्टिल अगर हमें याद रखने हैं तो हम कैसे रखें? बेटा किसी भी एक इलेक्ट्रोड का चार्ज एक सेल के अंदर याद कर लो, जैसे कि मैंने गैल्वेनिक सेल में याद कर रखा है। मुझे पता है कि गैल्वेनिक सेल में कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा एनोड का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, वो मुझे क्लियर है। चेक कर लेते हैं, प्रूफ कर देते हैं। ये आपका गैल्वेनिक सेल था, ये रहा आपका एनोड और ये है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहां बोली है कि मैम गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। ये एक याद कर लो, चारों नहीं याद करने को बोल रही, एक याद कर लो। तो ये नेगेटिव होता है। अब अगर गैल्वेनिक सेल का एनोड नेगेटिव है तो आपको पता है ना कि उसका कैथोड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब क्योंकि गैल्वेनिक का बिल्कुल ही उल्टा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना, जो भी चीज होती है वो उल्टी हो रही है। ये स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अगर इसका एनोड नेगेटिवली चार्ज है तो बेटा इसका कैथोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो कोई भी एक याद है तो आप सारे निकाल सकते हो, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो मैम एनोड अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो कैथोड पक्का नेगेटिवली चार्ज होगा। कोई भी एक याद कर लो, आपकी मर्जी है, बाकी के तीनों आप उससे रिलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे याद कर लो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो अगर यहां तक चीजें क्लियर हुई हैं तो हम क्या आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम कुछ सवालों पर पहुंच सकते हैं? तो चलिए बेटा कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ना है और जवाब देना है, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, ट्राई करना कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो ताकि मुझे समझ आए कि हाँ आप लोग ट्राई कर रहे हो, द बेस्ट वे टू इंटरैक्ट, राइट? यस। तो चलो, पहला क्वेश्चन कहता है दैट अ सेल रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस। एक सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी? इफ डेल्टा जी वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज, डेल्टा जी क्या होता है मैम? हमें पता है गिब्स एनर्जी होती है, और अगर गिब्स एनर्जी की बात हो रही है और स्पॉन्टेनियस बोला गया है तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है वो नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। तो यानी कि मैम ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत आई? नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बताओ। गलती करना अफोर्ड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते मैम, है ना? तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अगला सवाल बेटा, अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पढ़ लो और बता दो। देखो, पॉज करना पहले वीडियो, बता रही हूं तुम लोगों को, साइड हो जाती हूं, पॉज कर लो और समझ लो। अब देखो, पहला ऑप्शन कहता है कि कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल इन बोथ गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैं तो अभी ये पढ़ के आई थी कि अगर कैथोड एक में नेगेटिव है तो दूसरे में उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब कि वो सेम तो हो ही नहीं सकता। ये कहता कि कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल इन बोथ, तो मैम ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है। अगर देख लो, एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल इन बोथ, जब कैथोड सेम नहीं हो सकता तो एनोड भी सेम नहीं हो सकता, तो मैम सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। दो तो वैसे ही चले गए, 50-50 तो हो ही गया। अब बाकी के 50% पे आ जाओ। अब देखो, इनमें से तो चूज करना पड़ेगा। मुझे एक चीज रटी हुई है कि जो गैल्वेनिक सेल होता है उस गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड जो होता है वो भी नेगेटिव होता है, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अगर आपका एनोड नेगेटिवली चार्ज्ड है तो मैम गैल्वेनिक में एनोड नेगेटिवली चार्ज है तो पक्का इलेक्ट्रोलाइटिक में कैथोड होगा नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उल्टा ही होता है, तो ये होगा नेगेटिवली चार्ज। बस आंसर मिल गया। चलो, एनोड एंड कैथोड एंड एनोड आर नेगेटिव टर्मिनल्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। तो एनोड आपको किसके लिए बताया गया है? गैल्वेनिक के लिए बताया गया है। बिल्कुल सही चीज बोली गई है। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका गलत है और ऑप्शन डी आपका फिर गलत हो गया। तो एक ही करेक्ट स्टेटमेंट था विच इज ऑप्शन सी, अगेन आंसर आ गया। कितना आसान था, है ना?
बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गैल्वेनिक सेल. आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गैल्वेनिक सेल के लिए एकदम करेक्ट है. तो ऑप्शन वन कहता है इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी. अच्छा ठीक है, पहले हम खुद समझ लेते हैं. गैल्वेनिक सेल के बारे में बात की गई है, यानी कि मैम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी. अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है तो मैम मुझे पता है कि डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव होता है, और स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि मैं फोन बिना किसी टेंशन के यूज कर लूं, यानी कि डिस्चार्जिंग. डिस्चार्जिंग में होता है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सारी चीजें लिखती, चलो देख लो. इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही बोला है. इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, नहीं भाई वो गलत बोला है. ठीक है, उसके बाद में कहता इट कन्वर्ट्स मेटल फ्रॉम इट्स फ्री स्टेट टू द कंबाइंड स्टेट. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रोलाइट इनटू इंडिविजुअल आयंस. वो तो कोई भी एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो, कन्वर्ट होते ही हैं. ये कोई गैल्वेनिक सेल की स्पेसिफिसिटी थोड़ी है. तो एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिख रहा है, विच इज ऑप्शन वन. तो वो आपका सही जवाब हो गया. ये किस किस का सही आया जरूर बताइएगा. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट कहता है द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इज. बताओ साल्ट ब्रिज का की फंक्शन होता है. ठीक है, मैंने बहुत ही गंदी पंजाबी बोली है, आई एम रियली सॉरी. ठीक है, चलो अब क्या कहता है. द फंक्शन ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज इज. सॉल्ट ब्रिज क्या करता है मैम, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है. वो तीन फंक्शन हमने पढ़े थे, देख लेते हैं कोई है कि नहीं. मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ सेल्स. अगला इंक्रीजेस द सेल पोटेंशियल एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सॉल्ट ब्रिज तो सेल पोटेंशियल को कम करता है, जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है. डिक्रीज द सेल पोटेंशियल, अरे सेल पोटेंशियल की कोई डिस्कशन ही नहीं है. एलिमिनेट द इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज पे भी वो कुछ नहीं करता, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है. तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा. ठीक है, यस, इजी था, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट कहता है मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू थ्रू द प्रेजेंस ऑफ. कहता कि मोल्टन NaCl जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, किस रीजन से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. अब बेटा मैं आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूं. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर दे भी देंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि ना चार्ज कैरियर्स होते हैं. चार्ज कैरियर्स होते हैं, और बेटा चार्ज कैरियर्स दो ही तरह के हो सकते हैं. या तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो भी फ्री. फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो भी चार्ज कैरी कर सकते हैं, या फिर बेटा फ्री आयंस होते हैं तो वो आपका चार्ज कैरी कर लेते हैं. ठीक है, अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड पे होते हैं. तो मैम ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिर्फ कहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, एट द सरफेस. और फ्री आयंस जो होते हैं वो आपके सॉल्यूशन के अंदर होते हैं. तो यानी कि बेटा एक्वस सॉल्यूशंस जो होते हैं आपके, उसके अंदर आयंस जो हैं वो आपका चार्ज कैरी करते हैं और कंडक्ट करते हैं. ठीक है, तो कभी भी सरफेस पे आए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, अगर सॉल्यूशन में आए तो हमेशा आयंस करेंगे. ठीक है, अब पढ़ो. मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. मोल्टन NaCl क्या है मैम, एक इलेक्ट्रोलाइट है और वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वो अगर अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पास फ्री आयंस प्रेजेंट है. तो फ्री आयंस यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, यस, बहुत बढ़िया, अमेजिंग. तो ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा दे रहा है, और ये आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा गया है. ठीक है, ईयर मुझे याद नहीं है, पर जेई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है. देख रहे हो कितने आसान है. तो ये CUET में भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज का. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. अच्छा बेटा, अगला जो है वो सेल नोटेशन है, बट आज के लिए हम इतना ही करते हैं. सेल नोटेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. आज के लिए मैंने मेरे बच्चा पार्टी को ना बहुत सारी चीजें याद करने के लिए, समझने के लिए दे दी हैं, तो मैं ज्यादा प्रेशर नहीं डालूंगी आप पे. ठीक है, यस, मैं कितनी अच्छी हूं ना. तो बस आज हम अपने सेशन के एंड पे आ गए हैं, एंड आई होप आप लोगों को अगर मजा आया होगा, चीजें समझ आई होंगी, कहानी की तरह हमने हर चीज को समझ लिया है ना.
यस तो ठीक है. अब मैं ना पता क्या सोच रही हूँ, अब मैं क्या सोच रही हूँ बेटा, क्योंकि आप लोग मुझे बता, बहुत सारे बच्चे तो मुझे बता रहे हैं कि उनके कितने आंसर सही हो रहे हैं कितने नहीं, जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है. तो इसलिए फिर मैं आप लोगों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ. अब हम क्या करेंगे, आज नहीं कल से, अगले सेशन से मैं हमेशा सेशन के एंड में, सेशन के एंड में एक बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपको सुनाया करूंगी. ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं कोई बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लाऊं और आपको सुनाऊं. ठीक है, लेकिन वो सिर्फ तभी होगा जब आप पूरा लेक्चर देख लो और फिर मैम की स्टोरी देखना. मुझे पता है तुम बहुत चलाक हो, क्या करोगे सीधा एंड में जाके स्टोरी देख लोगे, पर नहीं बेटा, आपके लिए कर रही हूं मैं, ताकि इतना पढ़ के आओ ना तो फिर माइंड फ्रेश हो जाए. ठीक है, तो मैं आपके लिए ना कुछ इंटरेस्टिंग सी कहानी या कोई भी इंसिडेंट या कुछ डिफरेंट सा लेकर आया करूंगी. और आप मुझे ये, मैं ये प्रॉमिस कर रही हूँ आपको, आप मुझे क्या प्रॉमिस करोगे कि हम पूरा लेक्चर देखेंगे और फिर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, करोगे मैम के लिए इतना? यस करोगे. तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है बेटा, अभी तक आप एनसीईआरटी में, एक सेकेंड मैं यहाँ पे होमवर्क लिख देती हूँ. होमवर्क तो आपके लिए आज का होमवर्क क्या है, यू हैव टू रीड एनसीईआरटी ऑफ सेल्स. जो सेल्स वाला पार्ट है ना वो आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, सिर्फ सेल्स वाला पार्ट जितना आपको समझ आए. अब आपको आई थिंक सब समझ आ जाएगा. ठीक है, एंड यू हैव टू डू योर प्रैक्टिस शीट. ठीक है, और आपको आपके प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस करने हैं खुद से. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स तो होंगे नहीं अभी, तो बहुत बढ़िया है ना. हाँ, तो ये आपका होमवर्क है, तो ये आप लोग कर लेना. ठीक है, यस. तो आई होप आप मैम को हमेशा की तरह बहुत ज्यादा प्राउड फील कराओगे. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट.